हाय एवरीवन, सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल क्या होता है। तो ये फैलसी आज हम समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। इसमें दीज आर द थ्री स्टेटमेंट, जिसमें ये P1 है, ये P2 है एंड वी हैव कंक्लूजन, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू शुड बी नोइंग व्हाट इज अ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वो होता है जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है, राइट। यहां पे वी हैव मैन एंड वी हैव रैबिट्स, बट द टर्म दैट इज एबसेंट इज मैमल्स। सो हेयर मैमल्स जो है वो आपका मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है? अगर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव स्टडीड सेपरेटली। लाइक अगर ए ई आई ओ टाइप के स्टेटमेंट हैं तो हमने एस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड वी लर्न द ट्रिक दैट इज डी डी यू 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 डी यू डी, ये आपको याद होगी। तो मतलब ए टाइप का स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। आई टाइप का है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए तो यहां पे देखते हैं मिडिल टर्म क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम वैसे देखें लॉज के हिसाब से ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स या लॉज ऑफ सिलॉजिज्म के हिसाब से, मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइसेस। तो यहां पे मिडिल टर्म है मैमल्स, तो देखते हैं क्या मिडिल टर्म यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे पता चलेगा? दिस इज एन ऑल टाइप का स्टेटमेंट, दैट इज इट इज ए टाइप का स्टेटमेंट, राइट। तो ए में और मिडिल टर्म यहां पे प्रेडिकेट में आ रहा है, इट्स इन प्रेडिकेट। सो ए में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहां पे देखते हैं अगेन मैमल्स इज अ मिडिल टर्म, और ये कैसा स्टेटमेंट है? सम एस आर पी दैट इज ए ई ओ आई, राइट, दिस इज आई टाइप का स्टेटमेंट। और मैमल्स यहां पे सब्जेक्ट में है एंड सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड हेयर अगेन, सो मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर एज वेल। सो हेयर वी कैन से द मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ऑफ द प्रीमाइसेस, राइट, एंड हेंस दिस फैलसी इज कॉल्ड एज फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल।